हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग तो नहीं, रिव्यू करने वाले हैं, थोड़े फीचर्स भी जानने वाले हैं MI Band 3 के। तो फिर देरी की पर चलिए शुरू करते हैं। फिर आ जाते हैं हम, पहले देख लेते हैं। मेरे पास बॉक्स तो है नहीं, मतलब बॉक्स है लेकिन मैंने खोल लिया है पूरा। आपको मैं दिखा देता हूँ कि बॉक्स कंटेंट्स क्या होते हैं। तो बॉक्स कंटेंट्स आपको सामने अपने दिख ही रहे होंगे। उसके जो मेन डिवाइस है वो आ जाता है आपके बॉक्स कंटेंट्स में। फिर बैंड आ जाता है और फिर आ जाता है आपका चार्जर, आपके डिवाइस को चार्ज करने के लिए। नॉर्मल चार्जर है, उसको आपको अडाप्टर, ट्रेवल अडाप्टर जो आता है उसमें आपको ये प्लग इन करना होगा और फिर यहाँ पे आप अपना डिवाइस लगा के चार्ज कर सकते हैं। चार्जर ऐसा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आते हैं बैंड पर। बैंड आपको देख सकते हैं, सिलिकॉन बैंड मिलता है, उसकी आप क्वालिटी देख ही सकते हैं। कोई कॉपी नहीं है, ये रियल है ऑब्वियसली, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन देख सकते हैं आप बैंड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। पीछे से भी मतलब आपको ज़्यादा कुछ ऐसा बल्की टाइप का फील नहीं होगा और एकदम सॉफ्ट फिनिशिंग है इसकी, जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा। तो अब आ जाते हैं अपने मेन डिवाइस पर। डिवाइस आपको सामने दिख रहा है, तो डिवाइस में आप जैसे पीछे देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा, फीचर भी बताऊंगा, पहले इसका लुक बता देता हूँ। हार्ड ओपन मटेरियल अच्छा होना इसका, पूरी ग्लास को ऊपर ग्लास फिनिश ग्लास मिलता है ऊपर, स्मूथ टचिंग के लिए, ठीक है। फिर पीछे आपको मिलता है सेंसर आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए और यहाँ पर आपको मिलती है MI की ब्रांडिंग। हार्ट रेट सेंसर, तो फिर हम फीचर वाइज आते हैं, फिर आपको हार्ट रेट सेंसर भी टेस्ट करके दिखाएंगे। तो मैं इसको बैंड में लगा के आपको दिखा देता हूँ कि इसको बैंड हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंड में इसको ऊपर से ऐसे इंसर्ट करना है, ऊपर से ऐसे इंसर्ट करके बैंड को आपको बाहर की तरफ खींचना है और फिर अटैच। ये बस सिंपल सा अटैचमेंट है इसका, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत होती नहीं है इसमें। फिर ऐसे डी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा होता है। क्या करना, तो ऊपर से बैंड को आपको पीछे की तरफ पुल करना होता है थोड़ा सा, फिर आगे की तरफ पुल करना होता है डिवाइस आपका बाहर। ऐसे ही अब मैं लगा देता हूँ इसको, क्या मुझे हैंडल करने में ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो पहले आते हैं मेन स्क्रीन पर। तो मेन स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं टाइम देख सकते हैं आपको मेन स्क्रीन पर क्या है, टाइम दिख जाएगा। फिर आते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे स्टेप्स, ऑब्वियसली स्टेप्स हैं। फिर अगर आप उसको लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस माइल्स में, और आप जो उसका MI पे टैप आता है वहाँ पे आप जाकर इसको जो माइल्स है उसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो प्रेफर, मतलब आपको जो ज़्यादा वो लगता है इजी, उसमें कर सकते हैं आप। फिर स्टेप्स, फिर माइल्स के बाद आ सकता है आपका कैलोरीज बर्न, फिर आता है आपका बैटरी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है दिखा देता है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आपको स्टेप्स वाले मेन्यू के बाद मिल जाता है हार्ट रेट। अब हार्ट रेट आपको मैं मेजर करके बताऊँ तो मतलब लोग पता ही रहता है कि मतलब कॉपी अगर लोगे तो उसमें तो आपको हार्ट रेट ऐसे हवा में ही लोगे तो ऊपर चल जाएगा। इसमें एकदम एक्चुअली आपको दिखाएगा कि आपका हार्ट रेट अभी क्या चल रहा है, जिसमें आपको अभी मेजर करके दिखाता हूँ। तो मैं हार्ट रेट मेजर करना स्टार्ट करता हूँ अभी, फिर आपको होल्ड करके रहना पड़ेगा, तो ये अपना एक वाइब्रेशन टाइप की होगी तो आपको ये हार्ट रेट मेजर करके बता देगा। टाइम लगता है उसकी हार्ट रेट आपको मेजर करने में, टाइम लगेगा।
तो देख सकते हैं आप, मतलब एकदम एक्यूरेट टाइप की होती है ना, ऐसे आपको दिखाएगा कोई भी मॉनिटर या पल्स, जैसे कोई भी ऑक्सीमीटर या बीपी मॉनिटर, आपको पल्स रेट दिखाएगा या हार्ट बीट, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको मतलब एक्यूरेट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो इसमें आपको मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मतलब कोई ये वो चीज़ नहीं है, आपको जैसे वो होते हैं डिवाइस ऐसा नहीं है वो, ये कि जैसे पल्स मॉनिटर होते हैं बीपी मॉनिटर होते हैं, ये वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक अपने हार्ट बीट का आइडिया मिल जाएगा, उतना आपको ये बता देता है। तो अब अगले फीचर पे आते हैं। अगला फीचर है इसका ये, अब ये क्या है, ये है आपका, अगर आप ऐप से कनेक्ट करेंगे इसको तो इसमें आपको दिखाएगा, आप 3 दिन का लगातार आपको वेदर दिखा देगा कि आज क्या वेदर है, कल क्या होगा और परसों क्या वेदर होगा, उसमें 3 दिन का वेदर दिखाएगा आपको, ठीक है। अगर आप इसको अपने ऐप से कनेक्ट करेंगे, ऐप का नाम मैं बता रहा हूँ एम आई फिट ऐप, ठीक है। तो इसके बाद आता है ये एक्सरसाइज वाला ट्रेडमिल का ऑप्शन आता है, ट्रेडमिल का ऑप्शन आता तो आपको हाथ पे पहनना होता है इसको, फिर आप अपने मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने कितना किलोमीटर चला, कितनी देर तक चला, टाइमिंग भी चेक कर सकते हैं आप इसमें। फिर आता है नोटिफिकेशन, फ़ोन से कनेक्ट कर लोगे आप इसको तो आपके फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर आते हैं यहाँ पे आपको टाइमर भी मिल जाता है सेट करने के लिए, यहाँ पे आप होल्ड करके रखोगे टाइमर स्टार्ट, फिर पॉज बीच में दबाओगे तो टाइम स्टॉप हो जाएगा, फिर होल्ड करके रखोगे तो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आते हैं आप अगले फीचर पे, अगला फीचर आपको मिल जाता है मोर। अब मोर में आपको लेफ्ट स्वाइप करोगे सबसे पहले साइलेंट मिल जाएगा, साइलेंट में क्या होगा कि आपके जो नोटिफिकेशन इसमें होता है, नोटिफिकेशन जो आती हैं आपकी, उसकी आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो ये इसमें कच्चा फीचर है कि हाँ डिस्टर्ब ना करने वाला फीचर है, तो इसलिए आप यहाँ पे आप उसको साइलेंट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन फ़ोन में नोटिफिकेशन आएंगे उसका साइलेंट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आते हैं फाइंड डिवाइस, फाइंड डिवाइस पर अगर क्लिक करके रखेंगे तो क्या होगा, मतलब कनेक्ट कर, मतलब इन सब चीज़ों के लिए आपका फ़ोन अपना कनेक्ट रहना चाहिए। फाइंड डिवाइस पर होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे तो आपका डिवाइस वाइब्रेट करना और आवाज़ उसमें आपकी डिवाइस में आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही फ़ोन से अगर आपको फाइंड डिवाइस करना है तो ये आपका वाइब्रेट करने लगेगा, तो यहाँ से आपको करेंगे तो फ़ोन में आवाज़ आने लगेंगे, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगले फीचर पे आते हैं तो स्क्रीन, स्क्रीन को होल्ड करके रखेंगे ऐसे तो इसका, इसमें आपको 3 फेसेस मिल जाते हैं, ये पहला फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है। तो मैं आपको दूसरा फेस चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे मुझे ये मैंने ये फेस लगा दिया तो ये यहाँ पे फेस लग चुका है, ऐसे इसमें आप फेस चेंज कर सकते हैं। आपको बस जो मोड पे जाना है, फिर स्क्रीन पे जाके होल्ड करके रखना है ऐसे, फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने के बाद आपको जो भी करना है, जो भी आपको पसंद है उसको क्लिक कर दीजिए, जो आपका होम स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। तो फिर स्क्रीन के बाद आता है आपका फैक्ट्री सेट का ऑप्शन। फैक्ट्री सेट आपका जितने भी इसमें आपने कर रखा है सेट कि इतना गोल होना चाहिए, मेरे को इतनी कैलोरी बर्न करनी है, मेरे को इतना ये सब कुछ करना है, इतने स्टेप्स चलने हैं, वो सारा आपका पूरा ये डिवाइस से फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, मतलब एकदम फिर कुछ नहीं बचेगा इसमें आपकी, वहाँ आपकी सारी सी जो चीज़ें हैं फ़ोन में आपने सेट कर रखे हैं कि मुझे इतने ये चलना है, इतने स्टेप चलना है, किलोमीटर माइल्स वाले जो भी जितनी भी सेटिंग्स है आपकी, इसमें सब फैक्ट्री सेट हो जाएगी। तो आपको फिर से सब कुछ करना पड़ेगा अगर आप फैक्ट्री सेट अगर गलती से कर देते हैं तो। फिर यहाँ पे अबाउट में आ जाता है, तो अबाउट में आप होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाता है, तो मुझे समझ नहीं आता, समझ नहीं आई मुझे कि वो क्या है। तो बस इतने ही फीचर हैं इसमें, बाकी फीचर और भी एडवांस हैं इसमें, वो आपको फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद वो फीचर और भी मिल जाएंगे। आप एम आई फिट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी।